हाँ जी, एक कबूतर 10 दाने खाता है तो 10 कबूतर कितने दाने खाएंगे? हाँ हाँ, तो बच्चों इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है? मास्टर दीपक सीधे बैठो, चलो बताओ जवाब। हर एक कबूतर एक एक दाना खाएगा। क्यों सर? क्योंकि कबूतर बढ़ गए लेकिन दाने तो उतने ही है ना। ओए चुप करके बैठो। हाँ हाँ जी, और कौन बताएगा? ना ना ना, मास्टर दीपक ये क्या है? सर मैंने उसको लेटर नहीं लिखा है। ये शट अप, ये नैनतारा क्या झूठ बोल रही है? मैं कहता हूं कान पकड़ के बेंच पे खड़े हो जाओ। ओ, इसके नहीं अपने कान पकड़ो। मोटे तुझे तो मैं देख लूंगा। क्या? अरे भाई होल्ड करो, होल्ड करो। देखो कबूतरों को छोड़ो, अब मेरा दूसरा सवाल सुनो। सर सर सर, मैं अंदर आ सकता हूँ सर? ओह मैं तो अंदर आ चुका हूँ सर। वही पुराना सड़ा हुआ जो। क्या काम है बोलो? सर नोटिस आयला है सर। कहाँ से आयला है? हेड ऑफिस आयला है सर। क्या लिखेला है? मुझे पढ़ने को आता तो आप नोटिस लाते, मैं यहाँ पे खड़ा होता। भाई देखो माई डियर पेरेंट्स, ये हमारे हेड ऑफिस से एक नोटिस आया है। इसमें लिखा है कि इस साल से हमारे स्कूल में एक नया सिस्टम चालू किया जाएगा। है? इस सिस्टम के मुताबिक जूनियर सेक्शन का एक हेड बॉय होगा और इस हेड बॉय का इलेक्शन क्लास के लड़कों के द्वारा किया जाएगा और टीचर्स उसको मार्क्स भी देंगे। तो जिस लड़के को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे और टीचर से सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे वही इलेक्ट होकर के हेड बॉय बनाया जाएगा। तो बताओ इलेक्शन में कौन कौन खड़ा होने वाला है? सर मैं, सर मैं, सर मैं नहीं, इसे नहीं। अरे नहीं नहीं सर, इसे ही, इसे खड़ा होने का बहुत एक्सपीरियंस है। खामोश खामोश। क्या मैं अपनी औलादों से पूछ सकता हूँ कि मेरे गुट्टू के गले में ये टायर क्यों फिट किया हुआ है? पापा इसे एक टायर कहके इसका अपमान मत कीजिए। मुझे याद है कि एक पिक्चर में बदमाश हीरो मोगैम्बो साहब की पिटाई कर रहा था और तब मोगैम्बो साहब के गले में ऐसा ही कुछ लटका हुआ था। तब से ये एक टायर नहीं, मेरे एक हार बन गया। और पापा आपको राहुल भैया के सेंटीमेंट्स की कदर करनी चाहिए। करूंगा जरूर, लेकिन उससे पहले मुझे अपने कपड़े फाड़ने पड़ेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई पागल हुए बगैर मैं तुम्हारे सेंटीमेंट तो समझ ही नहीं सकता ना। पापा क्या आपको पता भी है कि आपका बेटा गुट्टू जूनियर सेक्शन के हेड बॉय के इलेक्शन के लिए खड़ा है? क्या आप उसे आशीर्वाद भी नहीं देंगे? अरे रियली ग्रेट गुट्टू, ग्रेट ग्रेट। अच्छा गुट्टू ये बता, अगर तू हेड बॉय बन गया तो सबसे पहला अच्छा काम क्या करेगा? पापा मैं सबसे पहले तो एक रूल बनाऊंगा कि स्कूल में 50 किलो से ज्यादा कोई लड़का नहीं बनेगा। वेरी गुड, तब तो बेटा हर बच्चा हेल्थ कॉन्शियस हो जाएगा। नहीं, सेट तूफान स्कूल से आउट हो जाएगा। क्या? और क्या? नहीं नहीं, एक बार फिर से बोलता हूँ। क्या? अब बोल। और क्या? सोच ले, एक बार अगर गुट्टू हेड बॉय बन गया ना तो तेरा सर खा जाएगा। अबे कछुए, इतनी सी बात तेरे समझ में नहीं आ रही? वो बुटका तेरा जीना हराम कर देगा और उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। यस गुट्टू बेटा, इंसान को अधिकार दुरुपयोग के लिए नहीं दिए जाते। सत्य और अहिंसा तो मोक्ष के मार्ग की पगडंडी है। पापा आपकी भाषा बड़ी गंदी है। तो बेटा मैं नॉन वायलेंस और ट्रूथ के रास्ते पर चलने की बात कर रहा हूँ। मैं जरूर चलूंगा पापा, मगर मोटे को ठिकाने लगाने के बाद। और ट्यूबलाइट भी चल पड़ी।
इलेक्शन में खड़े होने नहीं दूंगा। Yes. इलेक्शन? दिल्ली में फिर इलेक्शन हो रहे हैं क्या? क्या हो क्या रहा है और मुझे पता भी नहीं। What is this यार? मम्मी इलेक्शन दिल्ली में नहीं, तूफान के स्कूल में हो रहे हैं। अच्छा। और पता है गुट्टू हेड बॉय के इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। सच? हाँ, और उसका सामना तूफान नाम के इस तूफान से होगा। चाहे धरती हिल पड़े या फिर आकाश टूट पड़े, मैं उसे इलेक्शन में खड़े होने नहीं दूंगा और खुद को हेड बॉय बना कर रहूंगा। जी नहीं, आप कोई इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे। But mom, what about Tufan's future? When I say no, it means no. Mummy! Okay, Tufan election में नहीं खड़ा होगा। फिर वो गुड्डू? उससे भी निपटने का आइडिया दे रही हूँ ना मैं। चुपचाप से सुनो दोस्तों, अपना वोट उसे दो जो स्कूल को ऊंचा उठाने की कोशिश करे। आपके सुवर्णिम भविष्य के लिए मेहनत करे। तालियां। ओके, नाउ वोट फॉर भी तो समझने की कोशिश करें। इतनी टेंशन है, होल्ड करें, प्लीज आप होल्ड करें। हाँ। कोई बात नहीं, रहने थे। मिस्टर गुट्टू और मैडम तूफान, मैं आप दोनों से एक कंबाइंड ऑब्जेक्टिव सवाल पूछना चाहता हूँ। सर पूछिए, मैं नहीं डरती हूँ, आप पूछिए। हाँ सर, मैं भी मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं, पूछिए ना। आप मुझे ये बताएं, आप तो उन्होंने घर में कोई अखाड़ा या लड़ाई का ट्रेनिंग स्कूल खोला हुआ है? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर आप दोनों के इन बच्चों में लड़ाई के प्रति इतना लगाव, इतनी श्रद्धा क्यों है? सर परिस्थितियों के गठबंधन में भरी भाग्य की चुनरी पर लांछन है ये। क्या है लांछन? हाँ जी, क्या है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ। इनकी जबान? हाँ। कुछ चने और लहसुन की बात कर रहे हैं शायद। आंटी प्लीज। सर मैं बहुत जैसे चुप हूँ, इसे आप कब से भूले जा रहे हो? सर आप हमारा पर्सनल मामला क्यों जानना चाहते हो? चलो। तुम इसको पर्सनल मामला बोलते हो? ओ, मेरे स्कूल में पिछले 15 साल में इतने लड़ाई झगड़े नहीं हुए जितने तुम दोनों के आने के बाद पिछले 6 महीने में हो गए। सर आप दोनों अपने बच्चों को समझाने के बजाय मुझे दोष दे रहे हैं। ठीक है। आप लोगों के कहने से मैं इन दोनों को इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन एक कंडीशन पर। अरे क्या सर, इतने बड़े होकर भी आप शर्ट शर्ट करते रहते हो। इस बार जूनियर सेक्शन के इलेक्शन के लिए मास्टर दीपक खड़ा नहीं हो सकता। नो पापा, हमारे सारे अरमानों का खून हो गया, जैसे किसी ने ऊपर से बम फेंक दिया हो। हाँ, कितना अच्छा चांस मिला था उस तूफान को डोमिनेट करने के लिए, हम कहीं के ना रहे। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा स्कूल में? लाल वाला, बड़े दिनों से तू लाल मुंह लेके स्कूल नहीं गया ना। देखो राहुल भैया, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तूफान की वजह से गुट्टू इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। हम तो जंग हार गए। नहीं दीदी, हम जंग हारे नहीं है। अगर तूफान खुद जाकर प्रिंसिपल सर को ये बोल दे कि ये सारी करामत उसकी थी और गुट्टू
ही बातें करते रहता है। गुड्डू यहाँ आ जा, तेरे को आराम की सर्दी होता है। आ जा, आ जा। नहीं, गुड्डू, वो तूफान ऐसे कैसे बोलेगा? बोलेगा जी, जरूर बोलेगा। आगे आगे देखिए, होता है क्या? डिगी 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 डिगी। आज हमारे बीच की सारी गलतफहमियां मिटाने का वक्त आ गया है नयनतारा। तुझे हमेशा लगता था ना कि मैं तेरे पीछे हूँ। हाँ तो ये ले, आज मैं तुझसे राखी बंधवाकर शक्ति भेजा दीवार को गिरा देना चाहता हूँ नयनतारा। गुड्डू भैया, मैं बहन तारा, मेरा एक छोटा सा काम जो सिर्फ तुम ही कर सकते। वो कौन सा काम है गुड्डू? कौन? तूफान? उसे जरा रास्ते पे लाना। ठीक है, मैं आऊंगी। क्या वो ये आप क्या कह रहे हैं? ओह माय गॉड, तब तो आपको होल्ड करना पड़ेगा ना। हाँ जी। ओहो, और तुम ये क्या कह रहे हो मास्टर शालिनी? सर मैं सच कह रहा हूँ, उस दिन जो झगड़ा हुआ था उसका कसूरवार मैं हूँ, गुड्डू नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने ये क्यों किया? सर इंसान तो वक्त के हाथ की कठपुतली है, अनजाने उससे क्या क्या हो जाता है सर। ओ मास्टर कठपुतली, मगर तुम्हारी वजह से मैंने मास्टर दीपक को जूनियर सेक्शन के इलेक्शन से बाहर कर दिया। वापस से इनका लीजिए ना सर, क्या फर्क पड़ता है? और मालूम है सर, इस स्कूल का जूनियर हेड बॉय बनने का हक सिर्फ गुट्टू को है। ठीक है ठीक है, ऐसा करो तुम जाके मास्टर दीपक को बुला के लाओ। सर मैं आ गया। अरे बड़ी जल्दी आ गया, वेरी क्विक। अच्छा तुम ये बताओ मास्टर दीपक कि क्या तुम जूनियर सेक्शन के हेड बॉय के? सर मैं समझ गया सर, थैंक यू तूफान। तूफान तेरी सच्चाई के लिए तेरा नाम सर्टिफिकेट ज्योग्राफी में गोल्डन बॉक्स में लिखा जाएगा। अरे मेरे भाई कैसे हो? और आपके घर लड़ता ये सुनो, हम भाई एक दो ढाई और एक भाई भाई। गुड बॉय गुड बॉय, चलो जाओ जाओ जाओ। हाँ जी, क्या? ना ना ये रॉन्ग नंबर है, क्या बात कर रहे हो? अरे सब लोग चिल्ला रहे हैं, जीतेगा भाई जीतेगा। ओहो, अरे सब लोग चिल्ला रहे हैं, जीतेगा भाई जीतेगा। प्रिंसिपल ने तुझे हेड बॉय की इलेक्शन लड़ने की इजाजत कैसे दे दी? पापा
हर इंसान को अपनी जिंदगी प्यारी होती है। लेकिन यार तेरे प्रिंसिपल की बातों में बहुत ही ज्यादा विरोधाभास है। पापा मुझे तो कहीं से बास नहीं आ रही है। यार बास नहीं विरोधाभास। खैर छोड़ो गुट्टू, तुझे इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए था, तेरी पढ़ाई को नुकसान होगा। पापा वो सब मैं गौर कर लूंगा। बेटा जब तेरे टीचर्स तेरी सुनी पड़ी किताबों पर से धूल झाड़ेंगे तो तेरे पढ़ाई के नंबर तो गए समझो ना। डोंट वरी पापा, आई विल हैंडल दैट। अबे नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं यार, करूंगा। प्लीज करना। नहीं करूंगा, मैं तेरी चाल जानता हूँ। तूने मुझे अपना सेनापति इसलिए बनाया ताकि तू बच जाए और मैं शहीद हो जाऊँ। कितना नादान बच्चा है रे तू, मेरा होमवर्क करने से तू कैसे शहीद हो जाएगा? देख तेरा होमवर्क तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे होमवर्क का क्या? अगर मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो प्रिंसिपल सर मुझे खोपचे में ले जाके देख घपा घप। अरे मार गोली तेरे धप्पा धप को। अगर मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तो टीचर्स मुझे होमवर्क में मार्क्स नहीं देगी और मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। तो मुझे क्या इसमें, मर रहा तू। हेलो गुट्टू, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं। दिमाग थाम के बैठिए क्योंकि मैं रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स के वोट के मुताबिक अशीष को मिले हैं 112 वोट और गुड्डू को मिले हैं 114। वैसे टीचर्स के वोटों का रिजल्ट भी आ गया है जो कि उन्होंने होमवर्क के आधार पर दिया है, तो उस हिसाब से आशीष को मिलते हैं 13 वोट और वैसे होमवर्क तो सारा कंप्लीट था, लेकिन 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 साइंस का होमवर्क मैथ्स की बुक में और मैथ्स का होमवर्क हिस्ट्री की बुक में था, इसलिए उसको मिले हैं सिर्फ 2 मार्क्स। इस हिसाब से ओवरऑल विनर होता है आशीष। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।